दोस्तों हम बात करेंगे यूपी में तैनात डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर की, मध्य प्रदेश में तैनात तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की या कर्नाटक में तैनात डीआईजी डी रूपा की। अगर हम सोचें कि इन तीनों में समानता क्या है तो हमें लगेगा कि ये तीनों महिलाएं प्रशासनिक अधिकारी हैं। दोस्तों इनका नाम पिछले कुछ दिनों से तबादले को लेकर चर्चा में है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुधा ज्ञानवाणी में। आज हम बात करेंगे प्रशासनिक व ईमानदार श्रेष्ठा ठाकुर, अमिता सिंह तथा डी रूपा की और जानेंगे इनका तबादला क्यों और कहां किया गया। चलिए दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं यूपी से। डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर का तबादला इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बुलंदशहर के भाजपा पंचायत सदस्य प्रवेश देवी के पति प्रमोद लोधी का चालान बिना हेलमेट पहनने के जुर्म में काट दिया था। इस वजह से उनका तबादला बुलंदशहर से बहराइच कर दिया गया। दोस्तों चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां तहसीलदार के पद पर कार्य कर रही अमिता सिंह का तबादला 13 साल में 25 बार हो चुका है क्योंकि वह ईमानदारी से काम करती हैं। दोस्तों अमिता सिंह 2011 केबीसी में भी आ चुकी हैं, जहां इन्होंने 50 लाख जीतकर अमिताभ बच्चन को भी अपना दीवाना बना लिया था। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं डी रूपा की। जेल में अनियमितताओं का खुलासा करने पर डी रूपा का ट्रांसफर कर ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा आयुक्त बना दिया गया है। इन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में शशिकला जो कि AIADMK की नेता है को जेल में आधुनिक व आरामदायक या 5-स्टार होटल जैसी सुविधा के लिए 2 करोड़ का घूस दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे कई मामले हैं जिनमें कई ईमानदार अफसरों का तबादला नेता अपनी पसंद से करते रहे हैं ताकि वह घोटाला करते रहें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।